कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो अब हम जो है यहाँ से भूरी सिंह बाबा जी से वापस जा रहे हैं अपने गांव की ओर। ये देख लीजिए सामने पठानपुरा गांव है और अभी हम यहाँ पर खेतों में घुसे हुए हैं। अब हम यहाँ से चल दिए हैं, अब हम वापस अपने गांव जाएंगे। वो हमारा गांव है जहाँ पर आपको टंकी दिखाई दे रही है। यहाँ से लगभग लगभग आप ये मानकर चलिए 1 किलोमीटर है हमारा गांव, और ये खेत जो है हमारे गांव की सीमा में ही आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से भूरी सिंह बाबा से चल दिए हैं। वह भूरी सिंह बाबा, वो जहाँ पर एक बच्चा खड़ा है वही उसकी देखभाल कर रहा है। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही है खेतों की, पानी जा रहा है। चलो और पानी वानी इतना पीना, पी ले पानी, पिया पानी पिया, पी ले, पकड़िए मोबाइल, देखो हमारी वीडियो बनाना। तो भैया अब हमने यहाँ पर पानी पी लिया है, प्रसाद भी हमने चढ़ा दिया है। अब हम वापस अपने गांव की तरफ, एक साइड हो जाओ, प्रसाद भी चढ़ा दिया, अब हम वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग भी सभी प्रसाद चढ़ा कर जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए गन्ने की फसल खड़ी है और यहाँ पर ये जो है ये देख लीजिए चारों तरफ फसल ही फसल खड़ी है। ये मेड़ है, इनमें पानी से सिंचाई होती है खेतों की, जैसा कि आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो फिर भी हम बता देते हैं। वो सामने हमारे गांव की टंकी है जिससे पूरे गाँव की सिंचाई होती है, ये देखिए। और वहाँ पर अब भी खेतों की जो है जुताई हो रही है, इसमें नई फसल बोने की शुरुआत हो रही है। तो अब देख लीजिए हम आपको फिर से लेकर चल रहे हैं अपने गांव की ओर। पूरा मैंने आज आपको अपने पूरे गांव के दर्शन करा दिया, पूरा घुमा दिया है। ऐसी ट्रिप कोई नहीं कराएगा आपको। ये वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो चुकी है, तो दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। वहाँ पर हमारी सरकारी बिजली है जहाँ पर सरकारी सिंचाई होती है सरकारी बिजली से। और ये देखिए लाइन है हमारी वहाँ पर, ये देखिए बड़ी लाइन गुजरी है, ये देख लीजिए। और इधर से जो है आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को जो है पोस्ट करेंगे क्योंकि हमें वहाँ से अपनी बाइक लेनी है। अभी मैं आपको वो सीन भी दिखाऊंगा जहाँ पर हम अपनी बाइक छोड़कर आए थे। इसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा जहाँ पर हम अपनी बाइक छोड़कर आए थे। वो देखिए यहाँ पर जो है बसापत हो चुकी है, यहाँ पर हमारे सामने ही खेत है। और यहाँ पर जो है 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 का आसान रेट है। और यहाँ पर भी यही 15,000-20,000 रुपये गज का रेट हो चुका। पहले एक समय था तब यहाँ पर 800 रुपये गज, 1,000 रुपये गज, 1,500 रुपये गज, 700 रुपये गज, 3,000 रुपये गज का भी रेट अभी 2 साल पहले तक था कोरोना के समय। लेकिन अब यहाँ पर वो रेट नहीं है, अब यहाँ पर बहुत ही महंगा रेट हो चुका है। और यहाँ पर ऐसा अब नहीं है कि इतनी वहाँ सस्ती ज़मीन आपको मिल सकेगी, यहाँ पर बहुत ही करोड़ों रुपए की ज़मीन है। एक एक ये प्लॉट जैसे है, ये एक एक करोड़ रुपए की कीमत रखता है अपने आप में। तो ज़मीन के रेट अच्छे खासे हैं यहाँ पर। कोई अगर आपकी किसी से कोई जान पहचान है तो ही आपको सस्ता मिल सकता है, वो भी बाय चांस है आपका। लेकिन बड़ा मुश्किल है मिलना क्योंकि अब वैसी स्थिति नहीं है। तो ये ट्रैक्टर था जिस ट्रैक्टर की वजह से हम यहाँ से निकल नहीं पाए थे, क्योंकि इन्होंने ये बिल्कुल रास्ते में ही खड़ा कर दिया। वैसे यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन खेती की थी, वहाँ पर प्लॉट काट दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। ये देख सकते हैं आप, जब कहीं फंस जाते हैं तो इस तरीके से निकलना पड़ता है गाँवों में और खेतों में। तो अब हम यहाँ से निकल दिए हैं। ये यहाँ पर ट्यूबवेल है, ये देख लीजिए आप,
ये खेतों की सिंचाई हो रही है, आपको मैं खूब नज़ारा दिखा देता हूँ। खेतों की सिंचाई हो रही है, ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर खेतों की सिंचाई होती है। ये पानी का नज़ारा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों आपका।